नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आपके खिलाफ कोई पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर कर ली जाए तो उस केस में आप क्या करोगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि अगर पुलिस ने आपके खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर कर ली है पुलिस स्टेशन में और आप उस एफआईआर को क्वैश कराना चाहते हो, खत्म कराना चाहते हो, तो आप क्या करना चाहिए, आपको क्या करोगे। तो सेक्शन 482 सीआरपीसी जो है वो इनहेरेंट पावर देता है हाई कोर्ट को कि हाई कोर्ट आपके खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसको क्वैश कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है। बट आपको इसके लिए करना क्या होगा कि आपको एक वकील की सहायता से हाई कोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी की एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन मूव होने के बाद हाई कोर्ट आपको बुलाएगा, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर हाई कोर्ट को लगेगा कि आपकी बात में आपके पक्ष के अंदर दम है और आपका पक्ष सही है, मजबूत है, तो उस केस में हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल करके आपके खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसको रद्द कर सकता है। इसके साथ मैं आपको बताता हूं कि जो हाई कोर्ट है बेसिकली किन केसेस में सेक्शन 482 का इस्तेमाल करता है। तो पहला तो मैंने जैसा कि आपको बताया एफआईआर आपके खिलाफ हो गई तो आप उसको रद्द करा सकते हो। सेकंड, आप अगर कोई कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें समझौता हो सकता है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, तो उस केस में भी आप समझौता करके हाईकोर्ट जाके अपनी एफआईआर को, अपने खिलाफ जो मुकदमा है उसको क्वैश करा सकते हो। आप अगर चार्जशीट होने के बाद, चार्जशीट फाइल होने के बाद या ट्रायल, आप दोषी नहीं है और फिर भी आपके खिलाफ ट्रायल चलाया जा रहा है, तो उस केस में भी आप हाईकोर्ट जा सकते हो अंडर सेक्शन 482 और आप अपने खिलाफ जो ट्रायल चलाया जा रहा है उसको क्वैश करा सकते हो, उसको कैंसिल करा सकते हो। तो हाई कोर्ट को पावर है अंडर सेक्शन 482 कि वो आपके खिलाफ बेवजह के जो भी मुकदमे उसको खत्म करे, कैंसिल करे, और जो मिसयूज हो रहा है हमारे क्रिमिनल लॉ का या किसी भी लॉ का, तो उसको, मिसयूज ऑफ लॉ को जो हाईकोर्ट है इस सेक्शन के थ्रू रोकती भी है। उम्मीद करता हूं आपको सेक्शन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने फिर से आते रहेंगे। जय हिंद।